1644 से लेके 1647 के दरमियान जो है ना ये बनी है। हाइजीनी यूएसपी है ये, मशहूर इसी वजह से हुआ था। उनमें इस तरह की जगह होती है झीलों से जो ना अचानक मगरमच्छ आते निकल के बंदे को ले जाते हैं। यही बैठ गया, टूटेगा तेल डलेगा इसमें। पप्पा जान ये ऊपर से ट्रेन जा रही है। कहानी की स्टोरी ये है कि काफी दिन बाद अपनी कार के अंदर मैं व्लॉग बना रहा हूँ जाके, और ये शख्स है एज यूजुअल जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। इमरान भाई मेरा वेट कर रहे हैं मलीर के करीब एक जगह खड़े हुए। ये इमरान भाई आ गए। अंडे अंडे ओपन आईडी मेरा कैमरा है। हाँ, अगर आप चाहें। इमरान भाई, इमरान भाई का आपको पता है ना, ये वही ड्राइवर है जो पिछले व्लॉग में मुसलसल कार चलाते रहे और आप लोग बोल रहे थे यार ये कार इन्होंने नहीं दी, ये सो रहे हैं। यार देखो एक्टिव बंदा है यार। आपने बीट इट गाना सुना है, उसके अंदर जो गैंगस्टर होता है ना ये वो है। ये किसी भाई ने कमेंट किया था और यार मुझे बहुत पसंद आया। हाँ तो मैं ये कह रहा था, प्लान ये है कि आज इमरान भाई ने कहा कि यार नेशनल हाईवे से जाएंगे। सारा प्लान इमरान भाई के दिमाग में बन चुका है। आपके दिमाग का जो प्लान होगा ना उसको फॉलो करें। दूसरी बात ये है कि हम जा रहे हैं शाहजहां मस्जिद, ठट्टा से होते हुए, कलरी से होते हुए, कलरी कहते हैं कलरी करली किंजर चल जो भी है, तो वहां से होते हुए जाएंगे एंड देन हम जाके हालानागा टच करेंगे और फिर कहीं जाके डिनर करेंगे। वैसे इमरान भाई कह रहे हैं कि हर बात में इमरान भाई कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ मैं, चाय भी ले दे यार। प्लान इमरान भाई का तो इमरान भाई कह रहे हैं। जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना, अम्मी जान कहा करती थी कि कोई ट्रिप छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे इमरान भाई कहते हैं। इमरान भाई कह रहे हैं यार कैफे इमरान मेरे नाम पे ही है, तो वहां से चाय भी लेते। देखो रोशनी जल्दी हो जाती है खत्म, कैसा पकड़ा, वाह 6 बजे तो रोशनी में जल्दी से एक दो एक्टिविटीज कर लें, फिर हैदराबाद पिछले तरफ से जाएंगे, नेशनल हाईवे से जाएंगे आज हैदराबाद। बाकी ये जो रमीज है ना, इसने अपने चंद दोस्त छोड़े हुए, ये किसी ट्रिप पे खुद ही नहीं जाता है, और उसके बाद क्या है अपने दोस्तों को कहता है कि जाके कमेंट करना है कि यार रमीज नहीं है, मजा नहीं आ रहा। यार मतलब सोचे जरा, इसकी मोनोपोली चेक करें और इसकी आप वो देखें किस तरह, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं ना ये वो कर रहा है। कुछ ट्रिप्स में ये इसलिए नहीं होता कि हमारा जो ऑफिस का ग्रुप है ना वो जा रहा होता है, और वो जो ग्रुप है ना वो इससे नफरत करता है तो वो मना कर देता है। ये शादी होगी ना रमीश तुम्हारी, तो मैं ऐसे बंदे हायर करूंगा पक्का, बस तुम करने वाले बनो शादी। हैदराबाद पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम। यार वो पिछली हमारी जो ट्रिप थी शेरयार भाई, उसके अंदर कमेंट्स मैंने पढ़े तो लोग उसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये क्या आप बुढ़े बुढ़े दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम एक दफा फिर जा रहे हैं, और रोक सको तो रोक लो। अहमद जैदी बर्गर पंजाबी फिर हमारे साथ हैं। आपने कहा था वेटिंग फॉर नेक्स्ट एडवेंचर ब्लॉग, हम उस पर निकल गए और साथ में इसको भी ले लिया। भाई आप जो है ना खतरनाक तरीके से अपनी मंजिल पहुंचोगे। यार एक बहस छिड़ गई, ये जो ससुई लिखा हुआ है ये क्या ससी ही है जिसको ऐसे लिखते हैं, बताइएगा कोई जो बंदा एक्सपर्ट है ना वो बताएगा, सही लिंग्विस्टिक जो है ना वो कन्फर्म करेगा। अस्सलामुअलैकुम। अब जाके जो है ना ये थोड़ा सा रश कम मिला, वरना तो 100 की स्पीड पे जा ही नहीं पा रहे थे यार। वो अलग बात है कि मैं अभी भी 80 पे चला रहा हूँ। इस रोड पे मेरे एक दो फेवरेट पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कराची कैनाल वाला पॉइंट भी यहीं से आता है, हालिजी वाला भी आता है, गुज्जू वाला भी यहीं से पॉइंट आता है। वैसे इमरान भाई ने कराची कैनाल नहीं देखा, कह रहे थे कि अगर चका दो थोड़ा सा। ये जो बाजार है ना इमरान भाई, यहाँ फायदा होता है यार, चीज़ें अक्सर हम यहाँ से लेते हुए जाते हैं जब कराची कैनाल या कहीं हमें कुकिंग करनी होती है ना। खास तौर पे ये घरों से आप बाहर निकलेंगे ना कैफे इमरान के बाद, तो आपको इतना स्मूथ रोड मिलेगा ना। एक कैफे इमरान आने वाला आगे, भाई कैफे इमरान अब फ्रंट पे लगाएं कहाँ लगे भाई। अभी एक कैफे इमरान के साथ ये जो प्लॉट है ना पहले ही, इस पे आराम से पार्किंग मिल जाती है, ये अच्छा कर दिया उन्होंने। वो कह रहे रोड जैम होती है सिर्फ इस वजह से यहाँ से पार्किंग हटवा दी उन्होंने। यार ये वाइब चेक कर रहे हैं, सफाई आप लोग देखें, हर जगह सफाई। यार आते ही जो है ना सेटल हो गया। हाइजीनी यूएसपी है ये, मशहूर इसी वजह से हुआ था। इस वक्त हम एक ऐसे टाइम आए हैं ना हम लंच कर सकते हैं ना हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो इसलिए हमने चाय और केक ऑर्डर कर दिया है। आप चाय का टेक्सचर ही देख के समझ सकते हैं यार, गाढ़ी चाय होती है, दूध अच्छा है इनका, चाय कंसिस्टेंट। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ कमेंटेटर हैं, जैसे अगर कोई चीज़ अच्छी है और हमने तारीफ कर दी ना तो उनको ऐसा लगता है हमने होटल के पैसे ले लिए। फकीर समझा हुआ है क्या, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। अच्छा यार इसको हम केक समझ रहे थे, वो उसको बसूसा कह रहा था, तो अगर आप लोगों ने आके ये खाना है ये बसूसा है, बहुत अच्छा है, फ्रेश है, इसके अंदर कोकोनट है, और यार कोई डिफरेंट चीज़ है भाई। अरे भाई क्या हो गया, थिंग ये है कि कार्ड चलता है इमरान भाई आप कह रहे हैं, पानी भी 110 रुपये, हाँ वो टैक्सीज खामा खाई में नहीं लगाए हैं। और बसूसा कितने, यस इमरान भाई 437 हो रहे हैं।
तो अब हमारे एंड का प्रॉब्लम ये है, रोशनी रोशनी में कर लें, ये है चैलेंज 30-35 किलोमीटर अभी यहाँ से। गुज्जू आ गया, गुज्जू यार ये शहर की जो छोटे छोटे शहर की जो वाइब है ना, इसका अपना मजा। सजावल ये कट थरपारकर अगर आपने जाना तो यहीं से जाएंगे, यानी कि बदीन मदीन सब आप राइट पे मुड़ जाए, ये रास्ता जा रहा है अंदर। तो ये जो भी शॉट ले रहा है ना, मुझे लगता है सही होंगे, कैमरा पीछे ले गया कहीं। मकली का कब्रिस्तान आ गया, काफी सालों पुराना नेक्रोपोलिस, ये सीधे हाथ तक पूरा कब्रिस्तान होता था। ये ऊपर टीले पे चढ़ के ना बहुत जबरदस्त जना पूरा कब्रिस्तान दिखता है। कहाँ है यहाँ पे? जीलानी हाउस, यहाँ से आप चढ़ सकते हैं। कोठरी, किंजर झील, टट्टा सीमेंट फैक्ट्री, टट्टा शहर, जंगशाही। जब ये लिखा हुआ आ जाए ना, तो यहाँ से शाहजहां मॉस 3 किलोमीटर दूर है, और थोड़ा सा आगे जाके हमें राइट पे लेना दीम शहर सिंध का। अच्छा, ये जितने भी सिंध के हिस्से हैं ना, इमरान भाई शहर हैं, ये कहलाते हैं लाड़। और जो हमारा दूसरा है ना, जब हम M9 से जाते हैं, वो उत्तर सिंध कहलाता है। पता आप लोग, उत्तर और लाड़ का मतलब जिसको पता ना भाई, वो कमेंट में बता दे, थोड़ी हमारी मजीद नॉलेज में इजाफा करते हैं। लेकिन मुझे ये पता है ठट्टा शहर जो है ना लाड़ में आता है। ठट्टा वालों भाइयों अस्सलाम वालेकुम, ठट्टा शहर की आप वाइब लें यार, मज़ारात आपको मिलेंगे, सूफी पीर रोड है वो आगे कट दिख रहा है, वहाँ से राइट कश्ती वाला घर है ये, इतनी पतली गली में अल्लाह रहम करे। थोड़ी रोड नैरो है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, पतली पतली सी गलियों में हम जा रहे हैं। आई होप के सही बता रहा हूँ भाई। हज़रत सैयद सखीशा मिस्कीन शहीद भाई, ये आ गई एंट्रेंस, ज़बरदस्त। सामने मॉस्क है, हम बाद में पढ़ लेंगे, रिकॉर्ड अभी कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला, बेहतर यह है कि दाखिल हो जाते हैं मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम। अरे कोई बात नहीं, चाहिए पहले स्टाइल यही होता था मस्जिद में ना, सहन में वजूखाने होते थे चारों तरफ से। यार डिज़ाइन यार सुभान अल्लाह, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन को सलाम है यार। या नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ी। ये नक्शोनिगार जनाब को मकली के कब्रिस्तान में भी मिलते हैं, 12 दरी टाइप, और मतलब ये बहुत सारे दरवाजे जो ना, ये स्टाइल काफ़ी जो ना आपको मिलता था पुराने ज़माने की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें। यार मुझे लगता है इससे कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में इसको प्रिजर्व करना चाहिए था। चलिए बोल रहा हूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा ये अच्छा, नसरपुर हम गए थे ना, ये डिज़ाइन अभी भी वहाँ पे जो ना बन रहा था, वहाँ पे काशी का जो काम होता है ना, ये काशी का काम हुआ है एक्चुअली। सवा 5 बजे हम एंटर हुए, तो ये खुली मिल गई है। इमरान भाई लास्ट टाइम आए थे, पता नहीं किस टाइम आए थे, लेकिन बता रहे हैं कि बाहर से ही रोक दिया था, वो जो एंट्रेंस पे लोग बैठे हुए थे ना, उन्होंने ही रोक दिया था, उन्होंने कहा मस्जिद इज़ क्लोज्ड। 1644 से लेके 1647 के दरमियान जो है ना ये बनी है, मुग़ल एम्परर जो है शाहजहाँ उनके ज़माने की है, तो उनके नाम पे इसको रखा गया। ये अच्छी बात है कि ऑपरेशनल है मस्जिद, इसको सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस बना के रोक नहीं दिया गया कि नमाज ही नहीं हो रही, तो ये ऑपरेशनल है, यहाँ नमाज हो रही है, अभी असर हमने पढ़ी है। पूरे रास्ते में देखता हुआ आया हूँ, जब से हम ठट्टा में दाखिल हुए ना, ये इस तरह कुल्हड़ में ये कोई चीज़ मिल रही है, रबड़ी है बल्कि। ये रबड़ी मशहूर है यहाँ की, क्या हिसाब मिलती है रबड़ी? हाँ शहर में हमारे 1400 रुपये किलो थी, कुछ चखें थोड़ी सी यार। ये ले यार, बहुत मीठी है। दूसरा ये है कि ये रबड़ी कम मिठाई लग रही है, मिठाई लग रही है, ये चमचम लग रही है, सीरियस बताऊं, चमचम मिठाई जैसी होती है ना ये, वो लग रही है, ऐसा लग रहा है चमचम मिठाई खा रहे। वाह, इंतहाई बारीक सी एक रोड के अंदर से हम आए आते हुए, और ये इतनी चौड़ी जिसमें से 6 ट्रॉलर गुजर जाए ना, इससे वापस जा रहे हैं, पहले भी इससे आ जाते यार, आधा किलोमीटर इन गलियों में चले, लेकिन खैर है। ऐसा 620 फीट चौड़ा रोड था, हमें पतली सी पतली सी आप रोड में लिया है, कमाल है यार। ये भाई 25 किलोमीटर दूर केंजर झील भी अगर होते हुए चले जाएँ, करीबन 92 किलोमीटर दूर हैदराबाद है, और 25 किलोमीटर दूर है केंजर, तो केंजर झील से होते हुए गुजरते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजर जाना चाहिए, रास्ते में आएगा। इमरान भाई जहाँ रोड सिंगल हो जाता ना, तो वो सामने वाला ट्रैफिक ये खतरनाक हो जाता। UFO जा रही है, UFO
यार क्यों नहीं रोकते इन लोगों को? आगे जाएगा तो आगे। अच्छा रास्ता कौन सा साफ सुथरा वाला? अच्छा तो आगे ही है। कितना कितना आगे अंदाजा? 5-6 मिनट होगा। 5-6 किलो 5-6 किलोमीटर होगा। किंजर बहुत दिन बाद आया तो रास्ता जो है ना वो अंदर मुड़ने वाला अच्छा खानदानी कोई दिख नहीं रहा तो रुक के पूछ लिया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा टोल है ये? ठड्डा चल किंजर झील का मेन रास्ता है किंजर का आगे से। शुक्रिया यार। आप लोग हमें जज मत करना यार, ये कितने पेंडू हैं कराची में रहते हुए इन लोगों को पता ही नहीं था। नहीं आया नहीं यार, मतलब नहीं आ रहे बहुत दिन से। टोल कौन सा है ये भी पूछ रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंजर फील करा रहे हैं हम हैं अपने सिंध के अंदर ही। हम सनसनी खेज है ना सीन लग रहा है, पहाड़ों मिट्टी और इसके दरमियान से हम गुजर रहे हैं। अच्छा रोड आ गया और ये चांद आ गया यार। देखो पॉकेट 3 जो है ना ये चांद को भी देखो कैसे कैप्चर कर रहा है रात में। भाई इस सन्नाटे के दौर में ना पेट्रोल भरवा लेते हैं। देख ये लग गया है रिजर्व पे, वीराने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया। इतना अंधेरा क्यों भाई, यहाँ लाइट वाइटें जलाओ ना। ये क्या है? ये तेजमा मेरे साथ है, पेट्रोल भरा इसने। इसने कहा ये कैमरे में वीडियो बना के दिखाओ इतनी रात में, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से 3,500 का पेट्रोल भरवा लिया क्योंकि पेट्रोल हमें कार्ड पे भरवाना था और कार्ड वाली तमाम जगह हमने स्टार्ट में ही छोड़ दी थी शहर में, तो अब बाद में भरवाएंगे जहाँ कहीं ढंग की जगह पे चले जाएंगे ना। अभी तो फुल सन्नाटे में चल रहे हैं केंजर में। अब असली वाला आ गया बूट। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है केंजर डंड। यार ये अब इमरान भाई ने माहौल बनाया, लग रहा हॉरर मूवी जैसा ही मामला है ना। सन्नाटे में एक रात है। आ गया भाई केंजर लेक। जबरदस्त रोड खराब। किंजर यार मुझे बहुत पसंद आया यार, ये टिकट खूबसूरत है यार। है इमरान भाई जी वेलकम। किंजर लेक रिजॉर्ट ठट्टा ये हो सकता है, वो हुई ना नूरी रेस्टोरेंट, ये अंदर रेस्टोरेंट और ये बाग है। मजा आ गया नूरी रेस्टोरेंट। और ये कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं बारबेक्यू बनाने की। ये दो दोस्त बैठे हुए इमरान और रमीज भाई, अच्छी एक्टिंग कर रहे नूरी रेस्टोरेंट। फ्राइडे नाइट है, मैं समझ रहा था कि लोग नहीं होंगे लेकिन हमारे आते ही बरकत देखें। ये क्या हरकत हो गई, हमारे आने से बरकत हो गई। ये है सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट की है भाई, एसटीडीसी की है। रमीज भाई देख के गिरिएगा। ये जो कौम है ना हमारी ये नहीं सुधरेगी यार। इमरान भाई ये जो खुनकी वाली हवा चल रही है ना, मज़ा आ गया, डिसीजन सही हो गया। रुक अच्छा यहाँ दिन में भी आएंगे, अब ये तो मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, दिन में भी आएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ से बोट्स जाती हैं, वो सामने एक छोटा सा आइलैंड है, इमरान भाई ने मुझे याद भी दिला दिया जो दिख रहा है अभी आप लोगों को, अंधेरे में नहीं दिखेगा। माशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये भाई हमारे लाड़काना साहब। आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजा अरबाब साहब। ये इन्होंने हमारी शाहनवाज दानी वाली वीडियो भी देखी है लाड़काना वाली। ये भाई कश्मीर से आए हैं अदीब भाई, ज़बरदस्त हो गया यार पार्टी लगाई हुई आप लोगों ने। ये आप लोग का ये सारा ग्रुप आप ही लोग का है पीछे? अच्छा तो सभी आप लोग लाड़काना से आए हो? अच्छा चांद का मेडिकल से आए हो, ज़बरदस्त यार। डॉक्टर बन जाएंगे ये लोग 2 महीने बाद सब इंशाल्लाह। शाम में ये बोट्स चल रही होती हैं ऐसी ज़बरदस्त, वहाँ पे जा रही होती हैं आइलैंड के गिर्द घूमती हैं, ज़्यादातर स्पीड बोट्स हैं। ये लाइन से जना रिजॉर्ट है, ये आपको एसटीडीसी की साइट से बुकिंग मिल जाएगी इनकी, आप करा सकते हैं बुक। अभी भी आए हुए एक दो ग्रुप। लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ पुड़ पुड़। मूवीज़ होती है ना उनमें इस तरह की जगह होती है, झीलों से जो ना अचानक मगरमच्छ आते निकल के बंदे को ले जाते हैं। यहीं बैठ जाओ अब, सही है, खुश हैप्पी, टांगे भी ऊपर। 7:07 हो रहे हैं यार, मैं आ गया हूँ तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के लिए वीडियो बना दें कि अंदर रिजॉर्ट है कैसा। तो चाबी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम एक शख्स अजनबी सा चाबी लेने गया और चला ही गया, मतलब हम वेट कर रहे हैं उसका। 12,000 वाला है। ठीक है भाई, एक ये एरिया सही है, डाइनिंग एरिया है, ये बैठने के लिए जगह है, लाउंज है, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड, अटैच वॉशरूम, एसी होता है या टीवी होता है, ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पे ये गैलरी भी है। हाँ अच्छा, और सामने है गैलरी। हाँ हाँ यार, एक छोटी फैमिली के लिए तो यार बेस्ट है यार इन्होंने। नहीं यहाँ बैठे आप पार्टी करें,
हवा चल रही हो सामने से यार, और क्या चाहिए। नीचे नीचे बारबेक्यू कर सकते हैं। क्वीन बैठी हो यहाँ पे यूके की, और सामने जो है ना अब्दुल मन्नान खड़ा हो। किचन टाइप जगह है, नॉट किचन। एक वॉशरूम और है यहाँ पे, ठीक हो गया भाई। इसके बराबर में भी है, इससे बड़ा है, और उसके अंदर दो बेडरूम है और तीन वॉशरूम है, और इसी के और बराबर में आप ले सकते हैं तीन बेडरूम है, नहीं चार बेडरूम है, जिसमें से एक मास्टर बेड है, तीन वॉशरूम है उसमें। तो यार ये कि आप बड़ी फैमिली है, 12-15 लोगों के लिए आए, तो आप वो तीन वॉशरूम वाला ले लें। थैंक यू सो मच। हमने इनसे पूछा था यार आप नहाने वाने का इंतज़ाम कहाँ है, तो पानी एक तो बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन जब पानी थोड़ा सा पीछे हट जाता है तो जहाँ बोट्स वाली अभी मैंने वीडियो दिखाई थी ना, उसके राइट साइड पे लोग नहाते हैं। चलो लेट्स मूव। यार हमने नेशनल हाईवे ले तो ली, लेकिन फुल सन्नाटा चल रहा है। थोड़ा बहुत ही कभी कोई आ गया शहर तो सही है, अदरवाइज तो फुल सन्नाटा चल रहा है। ऐसा सन्नाटा कि बस, ऊपर से सिंगल रोड है तो सामने से आने वाली ट्रैफिक पे इतनी नज़र रख रहे हैं। पहली जो है ना कुछ, ओह यार बारात लेके आए हैं लोग, ट्रक वाले, फुल रोशनी है, मज़ा आ गया। वाह 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 भाई, कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है, कह रहा है नूरियाबाद 45 किलोमीटर, कोटरी 43 किलोमीटर, 45 और टंडो मोहम्मद खान 35 किलोमीटर। ट्रेन है, हाँ यार मैं बस सिर्फ वाइब के लिए ना आपको बता दूं कि यार इस रोड की वाइब ये है रात में, यूजुअली मैं लेता नहीं। कोटरी आ गया, अब हमारी जो है ना मंजिल करीब आ गई है आखिरकार, मतलब रोशनी आ गई है। ब्रीज फिश पॉइंट हाला नाका जा रहे हैं, वहाँ पे इमरान भाई कह रहे थे कि यार मच्छी खाएंगे। पप्पा जान ये ऊपर से ट्रेन जा रही है मालगढ़ी, शहर के अंदर वाला ब्रीज फिश पॉइंट है। इमरान भाई इस पे हो जाए, आज इस पे ट्राई करते हैं, डन हो गया, बस अब यही खाएंगे। सैमन, हाँ ये सैमन ले लेते हैं। हाँ वैसे पेंगासिस होती है, इसको सामन बोल रहे हैं, वो होती है पेंगासिस है ना, ये रहू है और इनका पल्ला भी है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस इसका अच्छा है भाई। हाँ ये उससे एक छोटा ना, छोटा है, एक छोटा एक बड़ा है। 3200 किलो सामन, 3200। इमरान चांडी कितनी देर में आएगा ये? 25 मिनट पक्का। यार मेरे दोस्तों के खिलाफ है तवक्को जो है ना, मैंने चाय मंगा ली है खाने से पहले, ऑर्डर दिया हुआ है। फारिग नहीं बैठना चाहिए इंसान को चाय भी, मुझे पता है दुनिया के 99% लोग जो है ना खाने से पहले चाय नहीं पी पाते, तो मुझे लगता है कि जो हाला नाका वाला है ना उससे ज्यादा हैपनिंग है। गुड लुकिंग फिश, चीजें सिमेट्रिकली सही नहीं लगती है अगर वो सही ना उलझन होती रहती है। अब आप ऐसे ऐसे, मैं इमरान भाई को रोका हुआ है, ये देखो बिल्कुल इनका स्पून रेडी है कि मैं ये वीडियोग्राफी खत्म करूँ और शुरू हो। हैप्पी बर्थडे इमरान। यार ये जिसमें सैलड आनी थी मैंने उसमें तुम लोगों के लिए कढ़ाई मंगाई है, गुड लुकिंग कढ़ाई है। बिस्मिल्लाह। चमचे की दुम से कौन डालता है? इमरान भाई डालता है। यार तुम चक्कर आ जाएंगे मछली को, कभी इधर घुमा रहे हो कभी इधर घुमा रहे हो। इमरान भाई हम लोग फूड ब्लॉगर तो है नहीं, हम बोलते हैं अच्छा लगा तो अच्छा है। खाओ खाओ खाओ, कढ़ाई खा ली है, आखिर में एक बोटी रह गई, ठीक है। मछली खा ली है, सिर्फ मछली के छिलके रह गए, टिश्यू खा लिए। आप लोग अपने घर में बैठे हो गए मम्मी की डांट खा के, बेगम के ताने सुन के, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैदराबाद में, बैठे हुए नहीं खड़े हुए, कहाँ हमने खा ली है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम घूमते हुए आ रहे हैं, आज भटकते हुए आ रहे हैं हम नेशनल हाईवे। वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, सही है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि फिर से हॉर्न बज जाएगा। टाटा। अट्टा तो मैंने कर दिया, लेकिन इमरान भाई आपका शुक्रिया, रमीज भाई आपका शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया, हैदराबाद का शुक्रिया।